तो कैसे हो आप लोग? इसे इस लो इसे देख लो पहले, इसे इसे देख लो पहले। तो गाइस आज सैटरडे है तो और आज भी हमारा मैच है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जीते। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, वो जीते वाली बात पे हंसी आ रही थी मेरे को। तो गाइस आज हम चल दिए हैं खेलने फिर से। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, इस आदमी को टीम ने सर्टिफाइड बॉलर बना दिया है। कुछ कहना चाहते हो? अब तुझे भी तो बैट्समैन बना दिया है। तो भाई मैं तो हूँ। तू बॉलर था। वो तो इंडिया में, यहाँ बैट्समैन हूँ। यहाँ जब तुझे 58 रन पड़े ना तब तुझे बनाया गया बैट्समैन। भाई सही में वो 58 रन तो मेरे को पूरे 2.5 दिन याद रहे और फिर मैं भूल गया। और अभी तक तूने दोनों मैच में मिला के नहीं मारे 58। तो भाई अच्छा हाँ गाइस एक चीज बताना रह गया, पिछले मैच में इस कुत्ते आदमी ने इसने मेरे को रन आउट दे दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसे दोस्ती का फर्ज निभाना चाहिए था, चाहे भले मैं नहीं पहुंचा ग्रीस पे, इसे नॉट आउट देना चाहिए था। बोल अब, कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोल ना, बोल, जनता जानना चाहती है, बोल बोल। लंदन वाले आके मारेंगे भैया, इसको भर लो गाड़ी में। बोल अब यार, तू हाफ क्रीज पे था तो उससे क्या मतलब होता है? लंदन की एक खास बात, वहां पे आपको बादल दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बारिश होगी, और ये देखो धूप, और ये देखो धूप में एक चांद जिसमें दाग लग गए हैं। शक्ल दिखाई अपनी। तो हम निकल चुके हैं आज क्रिकेट मैच खेलने के लिए और आज आना हमें रेजेंट स्ट्रीट, यहाँ से जुबली लाइन। तो गाइस ये आ गई हमारी जुबली लाइन, हम आ गए हैं बेकर स्ट्रीट। काफ़ी हैपनिंग सी जगह है ये, यहाँ पे ये द ग्लोब करके एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पूरी मार्केट है इस साइड पे। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। और एक चीज़ जो मैंने आपको शायद नहीं बताई है कभी, यहाँ पर रोड पार करने का एक अलग तरीका होता है जिसमें हमें ये बटन दबाना होता है और फिर हमें वेट करना होता है। फिर वहाँ पे जैसे रेड लाइट है वो जब ग्रीन होगी तब हमें क्रॉस करना है। तो गाइस हम यहाँ से 12 मिनट की वॉक है और इस टाइम पे यहाँ पे भीड़ बहुत है। और बेकर स्ट्रीट मतलब यहाँ पे काफ़ी प्राइम जगह है ये यहाँ पे। और अगर आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ देखी होगी शेरलॉक, तो उसका 32 बेकर स्ट्रीट एक एड्रेस था, आप सबको याद होगा, उस एड्रेस पे सारा शूट हुआ है। तो वो बिल्डिंग भी यहीं पर है यहाँ पे आगे, अगर हम सीधा सीधा जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, आज हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। जैसे थोड़ी सी चूक हो गई, ये है शेरलॉक होम्स का घर, द फेमस शेरलॉक होम्स का घर, यहाँ पर ही पूरा वो शूट हुआ था उनकी वेब सीरीज़, और जो काफ़ी फेमस थी। ये देखो, और ये उनका मेन एंट्रेंस है, यहाँ भैया बैठे हैं और यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे फीस लगती है अंदर जाने के लिए। और अंदर पूरा ही वैसे बना है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था जब यहाँ से शेरलॉक नीचे गिरा था। तो गाइस ये रहा पीछे शेरलॉक होम्स, और ऑनेस्टली मेरी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है जिसे मैं अराउंड 3-4 बार देख चुका हूँ। और यहाँ पर आके अलग ही खुशी होती है, आज दूसरी बार मैं आया हूँ और मतलब वर्थ इट है मेरे लिए तो यहाँ आना। ये है ग्राउंड, ये रीजेंट गार्डन का ग्राउंड है और लंदन की बहुत प्राइम लोकेशन है। ये हमारा वाइट कलर का साइड स्क्रीन है और आपको हमारी टीम भी दिख गई होगी, ये हमारी टीम के प्लेयर हैं। और बस मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। गाइस ये है पिच हमारी, ये हमारी टीम है और वहाँ पे खाने पीने का हिसाब किताब है और वॉशरूम वगैरह है। धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये अंकित है। तो गाइस ये है हमारी पिच, बहुत सूखी हुई है तो इसका मतलब बहुत बाउंस होगी। अंकित इधर आके दे पिच की, वो नंबर
नंबर पे चला भाई, मस्त बाउंस हो गई। हमने देखा हैवी रोलर वगैरह मारा हुआ है इस पे। अच्छा, और पिच पे थोड़ा हरा भी हो रखा है, डिफिकल्ट हो गया थोड़ा बैट्स। और हेलमेट तो पहनना बहुत ज्यादा, स्पिनर पे भी पहन लिया यहां पे सर का मार देते हैं। अंकित बैटिंग पे जाते हुए एक तकरीबन 200 रन बना लिए और कुछ 5 ओवर रह गए हैं। तो अभी प्रवीण भाई और हेमंत भाई बैटिंग कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है सब, मौसम बढ़िया है। आज काफ़ी अच्छा टारगेट हमने सेट कर दिया है और भाई हमारे हेमंत भाई इनकी सेंचुरी होने वाली है और ये बढ़िया खेल रहे हैं। सामने वाली टीम का मनोबल एकदम टूटा हुआ है, वो अपना स्ट्राइक बॉलर लेकर आए हैं अब और देखते हैं क्या होता है। और ये बॉल आई तो गाइस ये बॉल डाली हेमंत भाई को और ये हेमंत भाई का शॉट। ओ हेलो गाइस, तो मैच हमारा हो गया। तो टेक्निकली तो हम जीत गए हैं पर हम दोनों को ही ज़्यादा मज़ा आया नहीं भाई, 3 रन से हम जीते हैं भाई क्योंकि सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और हम लोगों की बस किस्मत ही अच्छी थी कि हम जीत गए। बट हाँ, विन विन होता है। पर अंकित भाई ने बहुत अच्छा खेला, 19 ओवर तक इसने बैटिंग करी और टीम को संभाले रखा। पर वही बात है कि मतलब जो हुआ ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। बाकी इस टाइम पे ग्राउंड कुछ ऐसा है, 9 बज रहे हैं पर यहाँ पे लग नहीं रहा है कि 9 बज रहे हैं। और अंकित कुछ कहना है? बस भाई जीत गए, किस्मत अच्छी थी, इतना प्रेशर डाल दिया था फील्डिंग पे। अगर इतना प्रेशर नहीं डालते तो और अच्छा लोग थोड़ा फील्डिंग करते और ज़्यादा अच्छे रनों से जीत सकते। ऐसा दिख रहा है ग्राउंड। तो गाइज वी आर बैक फ्रॉम अ मैच, आज काफ़ी हेक्टिक रहा, पूरे 80 ओवर का मैच रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम 3 रन से जीते तो बस अब रेस्ट करेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।